दोस्त किताब रास्ता और सोच अगर गलत हों तो गुमराह कर देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ये बातें गांठ बांध लो, अपने दिल का हाल हर किसी को न सुनाया करो। यहां तमाशा बनने में देर नहीं लगती। अपने घर की बातें गैरों को न बताया करो, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही तुम्हारे मजाक की वजह बनेगी। अपने दोस्तों को भी उतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो दुश्मनी पर उतारू हो जाए तो तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल हमेशा अपने गुनाहों को गिनने के लिए करो, दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं। हर उस महफिल में शामिल होने की कोशिश ना किया करो जहां तुम्हारा जोड़ ना हो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा सके, और दोस्त के एहसास पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा न सके। औरत की उम्र और आदमी की कमाई कभी न पूछो, क्योंकि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और आदमी कभी अपने लिए नहीं कमाता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। खुश रहने के मूल मंत्र, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं, मौसम की तरह जो बदले उसे दोस्त बनाना नहीं। कच्चे मकान देखकर कभी किसी से रिश्ता न तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाया करते हैं। याद रखना, ये भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब आपका मन प्रसन्न होगा। हकीकत तो ये है कि आप अपने मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझ सके। जिंदगी को ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऊपर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझो। कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। नसीहत दो मगर शर्मिंदा न करो, नसीहत दो तो अकेले में दो, तारीफ करो तो सबके बीच करो। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। अपना गुस्सा और अकड़ उन्हें कभी मत दिखाना जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और बड़ा किया। याद रखना, इंसान के बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर से अपनी जरूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। इन सात चीजों की शिकायत कभी किसी से मत करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना खुद का मकान होते हुए उसकी हालत की, अपने माँ बाप और गुरु की, पत्नी के सामने उसके घर वालों की, गैर के सामने दोस्तों की, और रुखसत होने के बाद अपने मेहमानों की शिकायत कभी किसी से मत करना। बदलाव से कभी मत डरना, बदलाव प्रकृति का नियम है। याद रखना, हर बदलाव शुरुआत में मुश्किल, मध्य में असहज
और अंत में शानदार होता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करना कि किस मंजिल को जाता है, पर अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह कभी मत करना। याद रखना, अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, बहुत खुशियां मिले, मगर अंत में तुम्हारी हार होगी। और अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो भले ही शुरुआत में कदम कदम पर ठोकरें मिले, मुसीबतों का सामना करना पड़े, मगर अंत में हमेशा तुम जीतोगे। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।